क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। इसमें भी कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल आपको नए तरीके से कुछ नया बताया गया है, ठीक है, पुरानी चीजों को जोड़ करके। देखिए, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। सबसे पहले क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, सेम बेस एंड द सेम एरिया। ओके, फिर कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों के बेसिस सेम है, दोनों के एरिया सेम है, और जो ट्रायंगल है उसके साइड्स 26, 28 एंड 30 है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। और दोनों अटैच कैसे है, जो ट्रायंगल का साइड है उसमें 28 सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो पैरेललोग्राम है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, और ऐसे में हमें हाइट बात कर रहा है, तो हाइट कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना, ये तो मेंशन है, समझ में आ गया बात आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। देखिए, ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा है, देखिए ये 26 है और ये 28 नहीं बल्कि 30 है ना, ये 30 आपका क्या है, 30 है, ठीक है, ओके, ऐसा। अब 28 इधर क्यों नहीं दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग 28 के ऊपर पैरेललोग्राम होना चाहिए, तो ये रहा आपका 28, क्या है, पैरेललोग्राम है, है ना। तो आगे की कहानी ऐसा है कि पैरेललोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे मैच कर दिया, है ना, और ये भी आपका ऐसे हो गया, चलिए, हाँ ठीक है, इस तरीके। अब हमें इसका हाइट पता करना है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट पता करना है, ये। तो बच्चों इसका नाम कुछ रख देते हैं, जैसे ए बी सी, उसके बाद इसको समझना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई और ये रहा एफ, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है वो डी एफ फाइंड करना है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में जहां भी सेम एरिया लिखा हुआ रहता है उस लाइन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उन दोनों का एरिया इक्वल कर देना है और उनका कोई भी एक डायमेंशन पता करना है, उनका कोई भी एक साइड्स जो है वो पता करना है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ इन दोनों का मींस, तो यही होगा कि एरिया ऑफ ए डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमें करना है। तो जो मैं ए बी सी दिख रहा हूँ उसका तो माइंड में मेरे आ गया है 100% आप लोगों को आ गया है कि सर तीनों साइड गिवन है, तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करूंगा और ए बी सी मेरा आ जाएगा, ठीक है, डन। अब बात रही ए डी बी, एक ए डी ई बी का, इसकी तो इसमें क्या करेंगे, ये भी आसान है हमारे लिए, क्या कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसका बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट होता है ना। तो बेस है ए बी और हाइट है आपका डी एफ, तो क्या लिखेंगे, ए बी इंटू डी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का एरिया पता है, ए बी पता है, तो वहां जस्ट डी एफ तो नहीं पता है ना, तो हम डी एफ फिर उस इक्वेशन से निकाल लेंगे। अब ये फाइनल हो गया कि डी एफ कैसे निकालेंगे, अब हम एक एक स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी का एरिया जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है, चलिए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ऐसा। तो ए बी सी में क्या है, ए क्या है हमारा 28 सेंटीमीटर, बी क्या है 26 सेंटीमीटर, सी क्या है 30 सेंटीमीटर, ओके। ए बी सी के बाद हीरोन्स फॉर्मूला यूज के प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले हम एस फाइंड करते हैं, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। कहने का मीन्स 28, 26 प्लस 30 अपॉन टू, चलिए ऐड कीजिए इनको, 30 प्लस 20 50 प्लस 20 70 और 14 84, 8 प्लस 6 14 ही होगा ना, 84 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया 42, क्या हो गया इसका 42 सेंटीमीटर, है ना। एस
एस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है क्या है आपका, बाई यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला, है ना। चलिए बाई यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला, हिरॉन्स फॉर्मूला है ना, क्या होगा हिरॉन्स फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब इनका हम यहां पर रखते हैं, एस की क्या वैल्यू है बच्चों, एस की वैल्यू है 42 और एस माइनस ए 42 माइनस 28 42 माइनस 26 42 माइनस 30। डन, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 42 ये क्या हो गया हमारा 12 माइनस 8 4 3 माइनस 2 1 14, ये क्या हो गया 6 1 16, ये क्या हो गया 12। चलिए इनको पेयर बना करके इनको क्या करते हैं, रूट के बाहर हम करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर हम इनका पेयर बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे 42 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 7, 14 को मैं लिख सकता हूं क्या 7 इंटू 2, 16 तो अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 4, डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं है। 12 को लिख सकता हूं 2 इंटू 6। देखता हूं कौन कौन सी चीजें हैं जो रूट के बाहर आ सकती है। देखिए रूट के बाहर पहला तो 16 एकदम बिल्कुल बड़ा सा नंबर दिख रहा है, इसको मैं बाहर कर दे रहा हूं। दूसरा 6 रहा बाहर आ गया। तीसरा 7 7, ये भी बाहर आ गया। फोर्थ नंबर है 2 2 1 2, ये भी बाहर आ गया। अब इनको क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 6 जा, चलिए कहां से करें जिससे इंसॉल्ट हो जाए, 17 2 जा 14, है ना, 14 प्लस 4 14 4 जा 56, 56 इंटू 6 मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 56 इंटू 6 क्या होगा, 6 6 जा 36, कैरी 3 6 5 जा 30 30 प्लस 3 33, यानी क्या आ गया 336 आ गया, क्या आपका आ गया 336 आ गया। अच्छा एक चीज यहां पर और थोड़ी सी हमें माइंड यूज करना है, क्या होता है ऐसे नंबरों में ना कभी कभी आप फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखो तो अच्छा है, क्योंकि बाद में उसको फैक्टराइज करके आंसर लाना ही पड़ेगा, तो हम स्टार्टिंग से उसको मल्टीप्लाई करें फिर जाके उसको डिवाइड करें, ज्यादा मतलब बेकार सा है, तो पहले हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ये आ गया क्या 14 14 इंटू 4 इंटू 6, इतना पे रहने देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ दिस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना, एरिया ऑफ दिस क्या है, कौन सा फिगर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लेते हैं ना, क्या है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना बच्चों, क्या होता है हमारा फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू डी एफ, ए बी इंटू डी एफ, जो ए बी है वो तो 28 है और जो डी एफ है यही तो फाइंड करना है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक और दो की मदद से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन दोनों को हम अगर इक्वल कर दें, फर्स्ट में क्या आया हमारा एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ए बी ई डी, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ए बी ई डी, ठीक है। पहले में क्या है आपका 14 इंटू 4 इंटू 6 रहने दिया था इसको,
तो 14 इंटू 4 इंटू 6, दूसरे में क्या है 28 इंटू df, हमें df फाइंड करना है, अकेला करेंगे जो मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ गया, 14 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 28, 14 टू जा 28, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, क्या हो गया 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो अगर हम कहें तो यही चीज है हमारा फाइनल आंसर, मतलब बहुत केवल दो फिगर थे, दोनों का एरिया इक्वल था, उसमें से एक कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पर पता करना था, अलग अलग मेथड से दोनों का एरिया फाइंड किया। फर्स्ट में के लिए हमने हिरॉन्स फार्मूला यूज किया, सेकंड के लिए हमने बेस इनटू हाइट का यूज किया, क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों का एरिया सेम है, इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व किया और डीएफ की वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है।